हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू एस्ट्रो सेज। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल और मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर लेकर के आई हूं आपके लिए हेल्थ हॉरोस्कोप। जी बिल्कुल, लाइफ में सब कुछ मिल जाए लेकिन एक अच्छी हेल्थ नहीं मिले तो बहुत प्रॉब्लम है। यू नो एज राइटली एडवाइज्ड बाय एजेस, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। तो ज़रूर जान लेते हैं कि 2022 में कैसे रहने वाली हैं हम सभी जोडियाक साइंस की हेल्थ, क्योंकि आप समझते हैं कि आप कितना भी वर्कआउट करें, कितना भी स्ट्रेस लें, ये सब कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। लाइफ की रोज़ाना की चीज़ों को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ हेल्थ में आने वाले चीज़ों को हम बिल्कुल देख सकते हैं, उसको प्रिकॉशंस के तौर पे हम मान भी सकते हैं और कुछ केयर भी कर सकते हैं अपनी। तो देख लेते हैं आने वाला साल कैसा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। तो ले लेते हैं अपना एक स्प्रेड और पूछते हैं कार्ड से कि क्या है हमारी अपनी सेहत को लेकर के आने वाले साल का प्रॉस्पेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहली राशि यानी कि मेष राशि के लिए क्या लेकर के आ रहा है आने वाला साल। और ये कार्ड आ रहा है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को लेकर के डायरेक्शन जा रही है, वो ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल डिप्रेशन की तरफ जा रही है। यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस लेकर के आप बैठेंगे, अपने माइंड में बहुत सारी जगलिंग करेंगे जिसकी वजह से स्ट्रेस में पड़ सकते हैं आप, और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपकी बॉडी वेट को इम्पैक्ट करेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, देखिए मैं सिर्फ आपको यही बोलूँगी कि मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल चीज़ों के बारे में सोचें। अगर बहुत सारी चीज़ें आपको तंग कर रही हैं तो लाइफ में पॉज प्रैक्टिस करें। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट है वो एक मिनट का पॉज ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और अपने स्ट्रेस को कम कर पाएँ। तो रेमेडी के तौर पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा पीने का पानी एक कांच के ग्लास में भर कर उसमें कुछ रॉक सॉल्ट डालकर यानी कि समुद्री नमक या पहाड़ी नमक डाल करके अपने बेड साइड में रख दीजिए अपने सर के पास और सुबह उठ करके उस पानी को फेंक दीजिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, कुछ एक तो हम स्ट्रेस कम लें, चीज़ों के बारे में कम सोचें और ये थोड़ा सा रेमेडी बिल्कुल फॉलो करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि की तरफ। और वृषभ राशि के लिए ये आ रहा है हमारे पास फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर बात करें फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से तो हेल्थ तो आपकी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग दिख रही है। यहाँ पर कुछ क्रॉनिक डिजीजेस की कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ पहले से प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, तो उसे प्लीज़ चेक करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको और थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा के आपको तंग करें। ज़्यादातर इम्पैक्टफुल एरिया रहेगा आपका नर्व सिस्टम, कुछ ट्रेमर्स और वीकनेस भी महसूस हो रही है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बैलेंस्ड डाइट फॉलो करें। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करें और अगर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग एक बीटरूट या लौकी का जूस ज़रूर पिएं, क्योंकि ये आपको पूरे दिन के लिए एनर्जाइज करेगा। और रेमेडियल मेजर में आप अपने पास एक ग्रीन कार्निलिन भी ज़रूर रख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा हेल्थ कंसर्न से। तो इस ग्रीन कार्निलिन को आप किसी स्टोन के फॉर्म में रख सकते हैं, किसी लॉकेट या स्टोन के फॉर्म में पहन भी सकते हैं, ज्वेलरी पीस के फॉर्म में, ये आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की तरफ। और मिथुन राशि के लिए ये हमारे पास कार्ड आ रहा है थ्री ऑफ कप्स का। तो अगर हेल्थ के जोन में बात करूं तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, एक रिकवरी मोड है। अगर आप कुछ डिजीज़ से जूझ रहे थे पास्ट में तो यहाँ पर एक रिकवरी मिल सकती है ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर कुछ चीज़ें आपको ट्रबल करें तो उनसे जल्दी छुटकारा लेकर आप बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ मेजर कंसर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारे पीपी और शुगर पेशेंट्स हैं थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलें एक जनरल सेक के लिए। बाय एंड ऑल आपकी हेल्थ कंफर्टेबल रहने वाली है आने वाले साल में, लेकिन फिर भी चीज़ें और पॉजिटिव रहें, आप और बेटर फील करें, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप
पीली दाल जो हमारी चना दाल होती है, इसको रविवार को ज़रूर दान दें। आप जिस आप अगर मंदिर में देना चाहें तो मंदिर में दें, नहीं किस नहीं तो किसी गरीब को दान करें, तो ये आपके पूरे साल की हेल्थ बेनिफिट्स को बढ़ाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि की तरफ। और ये कर्क राशि के लिए हमारे पास कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ इमोशनल बेस्ड रहेगी आपकी हेल्थ। तो जब आप इमोशनली हैप्पी रहेंगे आपकी हेल्थ कंफर्टेबल रहेगी, वहीं अगर आप इमोशनली कॉम्प्रोमाइज रहेंगे तो आपकी हेल्थ डिटोरिएट करेगी। तो बिल्कुल आप समझ ही गए हैं कि आपकी हेल्थ आपके इमोशंस पे है, तो बिल्कुल आपके हाथ में है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को बैलेंस्ड रखें, ओवर सेंसिटिव या ओवर इमोशनल नहीं हो और अपने आप को खुट नहीं फील करें, क्योंकि आप थोड़ा सा भी इमोशनली डिसबैलेंस हुए तो वो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। रेमेडी के तौर पे आप कर सकते हैं कि आप एक वाइट सफायर को अपने उंगली में धारण कर सकते हैं या फिर एक वाइट क्रिस्टल ट्री को अपने पास रख सकते हैं, तो ये आपके मूड को अपलिफ्ट रखेगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी पाँचवीं राशि यानी कि सिंह राशि की तरफ। और सिंह राशि के लिए हेल्थ के लिए आ रहा है हमारे पास ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो जी बिल्कुल ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव तो है, लेकिन अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी हेल्थ को खुद कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जी बिल्कुल, आपका कोई डेली रूटीन है या शेड्यूल है जो अच्छा नहीं है या अच्छी आदत नहीं है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिटोरिएट होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसे जल्दी से छोड़ दीजिए, वरना वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकता है। वहीं अगर आपसे कहा जाए एक अच्छी लाइफस्टाइल को, डाइट को या एक्सरसाइजिंग रूटीन को फॉलो करने के लिए, तो बिल्कुल उसे कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल पीक टाइम है, हाई टाइम है। अगर आपने अभी फॉलो नहीं किया तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ जाएंगी या कुछ नई प्रॉब्लम्स आप अट्रैक्ट करेंगे वो और क्रॉनिक होती जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए आपकी हेल्थ के लिए, एक तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी सलाह लें किसी डाइटिशियन से या डॉक्टर से या जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनसे अच्छी सलाह लें अपनी बॉडी फिटनेस और हेल्थ अच्छी हेल्थ को रखने के लिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि हरे रंग के कपड़े ज़रूर पहने, ख़ास तौर से बुधवार को, तो ये आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा किसी भी एलिमेंट से, ये ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि के लिए आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये दिख रहा है कि आप देखिए, ज़्यादातर तनाव तो हमारा माइंड से शुरू होता है, तो मेजरली इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड को फ्रेश रखें। और यहाँ पर यही है कि आप अपने माइंड में इतने डिल्यूसिव थाट्स रख रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस के थॉट्स रख रहे हैं कि आप अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप सबका ख्याल रखते रखते कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना भूल जाएंगे, ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ें आ रही हैं आपकी हेल्थ को लेकर के। तो एक छोटी सी चीज़ का ख्याल रखें कि बिल्कुल अपनों का ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है और उनका ख्याल रखने के लिए अपना ख्याल रखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस थॉट को जनरेट कर लेते हैं अपने लिए, तो आप भी अपने आप का ख्याल रख पाएंगे और आपकी हेल्थ कंफर्टेबल रहेगी। तो आपकी हेल्थ बैलेंस रहे उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक रोज क्वार्ट्ज़ को ज़रूर अपने रूम में रखें या फिर अपने बॉडी पर किसी ज्वेलरी पीस में पहन लीजिए, तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा, एक अच्छा ऑरा डेवलप कर देगा जो आपकी सिकनेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करेगा, ताकि आप अपना ख्याल भी रखें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि तुला राशि की तरफ। और तुला राशि के लिए ये आ रहा है मेरे पास 10 of Wands का कार्ड। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा हीट स्ट्रोक्स के चांसेस दिखते हैं। अगर आपको बीपी का इशू है तो आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रबलसम दिख रहा है आपके लिए। तो थोड़ा सा धूप और वेदर कंडीशन से अपने आप को बचाव करके रखें, थोड़ा सा अपने आपको प्रोटेक्ट करके रखें। और अगर बीपी का इशू है तो बिल्कुल खान पान का भी ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ आपके एफर्ट्स पे डिपेंड है। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आप एक अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर अगर आपके पास्ट के कंसर्न्स हैं तो भी आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं एफर्ट्स कर।
लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ आपके हाथों से निकल जाएगी और फिर संभल में आना मुश्किल है। तो उपाय के तौर पर आप सूर्यदेव को जल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि सूर्यदेव हमारी सोल एनर्जी और वो आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ। और वृश्चिक राशि के लिए हमारे पास ये आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पे गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ इज़ इन योर कोर्ट। सो डिपेंड्स, अगर आपके कुछ इश्यूज हैं जिससे आप जूझ रहे थे या अभी कुछ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो उम्मीद से ज़रा भर जाइए, क्योंकि आने वाला साल आपके लिए खूबसूरत है। और एक बहुत अच्छी सी और भी बात है इस आने वाले साल में कि आपके जो अपने हैं आपके लिए बहुत केयरिंग होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल नीड्स भी मीट हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो डिजीज़ से भी रिकवर करने की, फ़ाइट करने की क्षमता बन रही है। कुछ मेजर कंसर्न्स नहीं लग रहे हैं, कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं साल के वेदर चेंजेस से आ सकती हैं उससे आप जल्दी फाइट कर पाएंगे। तो आने वाला साल हेल्थ को लेकर के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि धनु राशि की तरफ। और धनु राशि के लिए आ रहा है ये हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बैलेंस्ड सिचुएशन दिखाई देती है। बैलेंस का मतलब आज के डेट में आप समझते हैं कि आप जितना गुड़ डालें उतनी शक्कर मिल जाएगी, यानी कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे तो आप एक अच्छा रूटीन और लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ बैलेंस समझाता है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बिल्कुल बैलेंस करके रखना है। आप उतने बिजी नहीं हो जाए अपनी और चीज़ों में कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़े से बिजी इन वर्क दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा माइग्रेन के इशू या हेडेक जैसे कंसर्न्स आ सकते हैं। लेकिन ये आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं अगर आप अपनी रूटीन में थोड़ा सा बैलेंस ले आए। तो एक जैसे कि कहावत है, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये बिल्कुल फिट बैठता है आपके आने वाले साल के लिए। आपको अपने लिए टाइम निकालना है, जल्दी बेड छोड़ देना है, कुछ एक्सरसाइजिंग रूटीन में जाना है ताकि आप अपने आप को अच्छे से मेनटेन करके रख सकें। अगर बात करें किसी उपाय की तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा कार्मिकली इन्वॉल्व रहें चैरिटी वर्क्स में तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगी। तो आप एक पॉइंट बना लीजिए कि फ्राइडे को कुछ ना कुछ आपको डोनेट करना है, एनीथिंग यू लाइक आप उसे डोनेट कीजिए, तो उससे आपको अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि मकर राशि की तरफ। और मकर राशि के लिए निकाल लेते हैं ये आ रहा है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो अगर मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की बात करें तो ये कार्ड दर्शाता है कि आप थोड़े से लिबरल होंगे, कैजुअल होंगे अपने कंसर्न्स को लेकर। तो जो आपके छोटे छोटे हेल्थ कंसर्न्स हैं वो बड़े बड़े बन सकते हैं क्योंकि आप इग्नोरेंट रहेंगे अपने हेल्थ कंसर्न्स को लेकर। तो यहाँ पे आपके लिए प्रिकॉशन है कि थोड़े से कॉशियस हो जाइए, छोटी सी छोटी चीज़ में सेल्फ मेडिकेशन नहीं लीजिए, कोशिश कीजिए एक प्रोफेशनल के पास जाने की, नहीं तो आपकी जो हेल्थ कंसर्न्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो छोटे छोटे कंसर्न्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं तो साल के अंत तक आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान बना के रखना है। और क्या कर सकते हैं जो थोड़ा बैलेंस्ड रहे चीज़ें, तो आपके लिए एडवाइस है कि आप कोकोनट को अपने जी जो हमारा कोकोनट होता है वाटर वाला, उस कोकोनट को आप ट्यूसडे को माँ काली को चढ़ाएं और बिल्कुल प्रे करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें कि ताकि आपका हेल्थ एंड ऑरा दोनों इंटैक्ट रहे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की तरफ। और कुंभ राशि के लिए आ रहा है ये हमारा सिक्स ऑफ लवर्स का कार्ड। अब क्या समझते हैं लवर्स का कार्ड हमारी हेल्थ में? तो ये बिल्कुल एक चीज़ तो है यहाँ पर कि आप थोड़े से सेल्फ लव में जनरेटेड रहेंगे, जिसके चलते आप अपना ख्याल रखेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास यानी कि जो आपके आसपास आपके पेरेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बिलाविड है, ख़ास तौर से आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड है, वो थोड़ा सा पोजेसिव रहेंगे आपको लेकर के।
जिसके चलते आपको अच्छा अटेंशन मिलेगा उनसे और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ कंसर्न्स भी इंटैक्ट रहेंगे। वुमेन्स को थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे कुछ हार्मोनल इश्यूज़ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं आने वाले साल में। तो बिल्कुल अगर आपका ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्बड है या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप अपने बॉडी से रिलेटेड, तो जल्दी से एक गायनोकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर लीजिए ताकि आप कुछ मेजर इश्यूज़ में नहीं फंसे। वहीं हेल्थ बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक ब्लैक टर्मलिन अपने हाथ में ज़रूर पहन सकते हैं। यह आपको हर तरह के नेगेटिव एनर्जी से बचा करके रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ। और मीन राशि वालों के लिए आ रहा है ये मेरे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक अच्छी हेल्थ को अचीव करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर जो भी कंसर्न्स हैं आपकी हेल्थ को लेकर के पास्ट में या साल की शुरुआत में थोड़े बहुत कंसर्न्स आ सकते हैं, लेकिन साल के अंत तक आप बैलेंस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको सूट करता है और क्या आपको सूट नहीं करता है। तो हेल्थ को लेकर के आप चीज़ें अपने हाथ में लेंगे और उन्हें बैलेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, चाहे वो आपके लिए उसके लिए एक्सरसाइजेस करनी पड़े या अच्छी डाइट फॉलो करने पड़े। तो ये आप ऐसा दिखता है कि अभाव रहेगा। इसको इन्हांस करने के लिए, अपनी हेल्थ को इन्हांस करने के लिए या अपने वेलबींग को इन्हांस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं और वो आपको पूरी प्रोटेक्टिव एनर्जी देंगे। चलिए इसी के साथ हमारा हेल्थ हॉरोस्कोप फॉर 2022 समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लूंगी। नमस्ते। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।